इंटीग्रेशन करेंगे x एज टू पावर 5 अपॉन 1 प्लस x एज टू पावर 12 का। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि हम इसको बाई पार्ट से सॉल्व करें या हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, जो चॉइस आपके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो मानो हम एक बार उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए आप एक वैल्यू को टी एज्यूम करते हैं, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं यदि मैं इस वाली वैल्यू को टी एज्यूम करूं, यहां पे आप देखेंगे यदि मैं इस वैल्यू को टी एज्यूम करूं, 1 प्लस एक्स 12 को यदि मैं टी एज्यूम कर लूंगा तो क्या बनेगा, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स इज अबाउट 12 का डिफरेंशिएशन, आप बोलेंगे 12x पावर 11 dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में। अब आप देखेंगे कि x इज टू पावर 11 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 12, लेकिन x इज टू पावर 11 तो है ही नहीं ऊपर, dx तो ठीक है लेकिन x इज टू पावर 11 नहीं है, यहां पे आपके पास में x इज टू पावर 11 नहीं है लेकिन x इज टू पावर 5 तो है। तो अब यदि हम इसको एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम कोई ऐसी वैल्यू सोच के देखें, क्या हम कोई ऐसी वैल्यू सोचें, क्या हम एक ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई करें जिसके लिए आपके पास में जो डिफरेंशिएशन है वो x इज टू पावर 5 आता है, मतलब एक ऐसा टर्म जिसके पास में जिसको सॉल्व करके x इज टू पावर 5 आता है। क्यों ऐसा क्यों मैंने बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूं वैसा क्योंकि ऐसा करने से इसके साथ में एक dx टर्म आएगा और आपका ये होल टर्म चला तो जाएगा dt के अंदर। तो हमें ये पता होता है कि यदि x इज टू पावर n है हमारे पास में, x इज टू पावर n है, हम यदि इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो जो वैल्यू होती है वो n की पावर हमेशा कम होती है, तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन n इंटू x इज टू पावर n माइनस 1 होता है, और इसका इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज करती है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास में x इज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x इज टू पावर 5, यदि आपको 5 चाहिए इसका मतलब आपको यहां पे 5 चाहिए, आपको ये वैल्यू चाहिए 5, तो आपको किसी एक ऐसे टर्म का डिफरेंशिएशन चाहिए x इज टू पावर 5। डिफरेंशिएशन में पावर एक कम होती है, इसका मतलब है ये जो 5 पावर है x इज टू पावर 5 ये x इज टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब यदि हमें ये समझ में आ गया कि ये x इज टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन है तो इसको एक बार एज्यूम कर लेते हैं, हम यहां पे लिखेंगे x इज टू पावर 6 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, इसको लिखेंगे 6 इंटू x इज टू पावर 5 dx इज इक्वल टू dt, मैं इसको लिखूंगा x इज टू पावर 5 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6, ये लिखा जाएगा। अब आपका जो फंक्शन है x इज टू पावर 5 dx, आपका ये चले जाएगी वैल्यू dt अपॉन 6 में, बट अब हम x इज टू पावर 6 कैसे लेके आएंगे, आप नीचे देखेंगे ये फंक्शन लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू है, ये वैल्यू गिवन है आपको 1 प्लस x इज टू पावर 12 और हमें क्या चाहिए 6, तो मैं 12 को इस तरीके से लिख सकता हूं इंटीग्रेशन x इज टू पावर 5 dx अपॉन 1 प्लस 6 का स्क्वायर करूंगा मैं x इज टू पावर 6 का। अब देखो अब हम यहां पे x इज टू पावर 6 को t एज्यूम कर रहे हैं हमने और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है, अब आपका फंक्शन इस तरीके से चेंज हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे देखो इसकी जगह रिप्लेस करेंगे हम dt अपॉन 6, इसकी जगह रिप्लेस करेंगे हम t, तो हमारे पास फंक्शन चेंज हो गया 1 अपॉन 1 प्लस t रेज टू पावर 2 इंटू डी टी अपॉन 6, 6 बार जाएगा कॉन्स्टेंट टाइम, इसको लिखेंगे यहां पे 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू पावर 2 डी टी, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t का, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 1 अपॉन 6 tan इनवर्स t प्लस c, और आपने t क्या एज्यूम कर रखा है x इज टू पावर 6, आपका आंसर क्या बनेगा 1 अपॉन 6 tan इनवर्स x इज टू पावर 6 प्लस c, ये बन के आएगा आपका आंसर। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सोचने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।